दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डेली वीडियोज है वो मिलती रहती है। तो फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो ये आती है प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ रेल सेक्शन को लेकर। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट में बताया था कि यहाँ पर जो डबलिंग का काम हुआ है और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उस पर सीआरएस इंस्पेक्शन लिए जाएंगे 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर पर यहाँ पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो ले लिए गए हैं, जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं, जो कि एक काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है। इस पर ट्रेनों के संचालन की जो मंजूरी है वो भी दे दी गई है। तो अब यहाँ पर डबल ट्रैक पर जो ट्रेनों का संचालन है वो होगा, जिसके चलते आपको थोड़ी सी लेट लतीफी कम देखने को मिलेगी ट्रेनों की, जो कि मतलब यही कह सकते हैं हम काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एशिया डेवलपमेंट बैंक को लेकर। बात कुछ ऐसी जैसे हम सब जानते हैं दिल्ली और मेरठ के बीच में रैपिड रेल को बनाया जा रहा है। फिलहाल ये जो रैपिड रेल है, जब ये मतलब इसका जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया गया था उसी समय जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है तो उसने इन्वेस्ट करने की इसमें बात कही थी। तो फिलहाल उसके थ्रू लोन देने वाली की बात थी। तो टोटल में आगे अभी तक 3,750 करोड़ रुपए का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया गया है। तो ये जो है जल्द ही पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा तेज हमें होता हुआ दिखेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है ऑन टाइम देखने को मिले, क्योंकि जो बजट है वो तो काफी ज्यादा बड़ा इशू रहता है। हम सब जानते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में जितनी जल्दी पैसा मिलेगा उतनी ही जल्दी काम हो पाएगा, और अगर काम जल्दी होगा तो हमें जल्द ही ये रियलिटी में भी देखने मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन से लेकर। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम भी अब चेंज होने वाला है और इसका नाम होने वाला है सिद्धारूढ रेलवे स्टेशन। अब इसके नाम चेंज के लिए भी जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है, जल्दी आपको ये जो रेलवे स्टेशन है इस नाम से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 024-37 और 024-38, जो कि सिकंदराबाद और नई दिल्ली के बीच ऑपरेट होने वाली एक स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो फिलहाल इस ट्रेन को रेलवे बंद करने की जो बात है वो कर रहा है, यानी कि इस ट्रेन को बंद ही कर रहा है। बताया जाता है मात्र 15% की जो ऑक्यूपेंसी है वो इस ट्रेन में चल रही थी, मतलब पूरी ट्रेन एक कसम से आप मान सकते हैं खाली चल रही थी, जिसके चलते रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो फाइनली 13 सितंबर को ये लास्ट टाइम नई दिल्ली से चलेगी और 16 सितंबर को लास्ट टाइम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ये चलने वाली है। उसके बाद में ये जो ट्रेन है आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब देखते हैं रेलवे क्या रियलिटी में मतलब क्या करता है, जब सब कुछ स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो क्या आपको जो रियल राजधानी थी सिकंदराबाद वो देखने को मिलेगी, या फिर रेलवे फिर प्लान करेगा सीजन के टाइम पे कि इस स्पेशल राजधानी को दोबारा चला दिया जाए। अब जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, फिलहाल अभी इसको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इसमें जो पैसेंजर थे वो नहीं मिल रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 024-21, जो कि हावड़ा और बारबिल के बीच चलने वाली एक जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इस जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को भी जो कैंसिल है वो किया जा रहा है, और इसका भी कारण है लो ऑक्यूपेंसी, यानी कि इसमें भी जो भैया यात्रियां हैं वो नहीं मिल रहे हैं, यात्रियों की कमियों की वजह से इस ट्रेन को भी जो कैंसिल है वो किया जा रहा है, और ये ट्रेन सैटरडे से कैंसिल कर दी जाएगी। सैटरडे को ये आखिरी बार चलने वाली है, तो इस ट्रेन को भी कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि इसका बिल्कुल भी जो इस्तेमाल है वो रेलवे का मतलब इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके चलते रेलवे को काफी ज्यादा जो नुकसान है वो हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेन है और इसने ये वाली बात को फिर से प्रूव कर दिया है। जैसे ही आज इसकी बुकिंग खुली तो 28 सितंबर तक सारी सीट्स रिजर्व हो गई हैं और आपको अब वेटिंग ही देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा मतलब लाइन भी लग गई, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके जो टिकट है वो बुक किए गए हैं, और विक्रमशिला रियलिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेन है और हमेशा रेलवे उसको काफी ज्यादा इनकम करके देखती है और इसकी ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो फिलहाल विक्रमशिला के रिगार्डिंग यही अपडेट है कि भाई अगर आप इससे जाने वाले हैं और खासतौर पर सीजन पर, तो अभी से टिकट करा लें, अदरवाइज आपको एंड टाइम पर टिकट नहीं देखने को मिलेगा, फिर आपको काफी ज्यादा जो परेशानी है वो हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 023-07 और 023-08, जो कि हावड़ा और जोधपुर के बीच में चलने वाली एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है। तो फिलहाल इस ट्रेन में भी जो बदलाव है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जैसे ही चल रही है 1 अक्टूबर तक वैसे ही चलती रहेगी, मगर 1 अक्टूबर के बाद में ये ट्रेन जोधपुर 4 दिन जाएगी हफ्ते में और बाकी के बचे 3 दिन बीकानेर जाने वाली है। तो इसमें ये जो बदलाव है वो किए जाएंगे, और इन दोनों ही ट्रेनों को अलग अलग नंबर से चलाने की जो बात है वो कही गई है, यानी कि जब बीकानेर तक जाएगी तब अलग नंबर होगा और जब जोधपुर तक जाएगी तो अलग नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये सब कुछ आपको 1 अक्टूबर के बाद देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी भी कोई भी नंबर वगैरह नहीं बताया क्या क्या ट्रेन के नंबर रहने वाले हैं, बट फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है इस ट्रेन को लेकर।
लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है खजुराहो रेलवे स्टेशन से लेकर। खजुराहो रेलवे स्टेशन को मॉडिफाई करने के लिए जो प्रपोजल है वो भेज दिया गया है। इसमें बात करी जा रही है इसको एज अ टर्मिनस डेवलप करने की, यानी कि एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन बना दिया जाएगा जिसके बाद में यहाँ से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा सकेंगी। और अगर ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी तो हम सब जानते हैं ज़्यादा कमाई रेलवे कर पाएगा। अब बस यही है, ट्रेनें सही तरीके से चलाई जाएँ और ज़रूरत की ट्रेनें चलाई जाएँ। अगर कई बार ऐसा हो जाता है रेलवे ट्रेन तो चला देता है बट कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो यात्री हैं उनके टाइमिंग के हिसाब से बेकार होती है जिसकी वजह से कोई भी उसको यूज़ करना पसंद नहीं करता। ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं और उन्हीं को रेलवे अभी आने वाली टाइम टेबल में हम जानते हैं निकालने वाला है। तो फिलहाल खजुराहो के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट हो सकती है क्योंकि आने वाला समय उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 80 स्पेशल ट्रेन को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं रेलवे ने 40 पेयर ऑफ ट्रेन चला दिए हैं और ये चलेंगे 12 सितंबर से। तो इनकी जो बुकिंग थी वो आज से शुरू होनी थी, तो आज से जो रेलवे रिजर्वेशन है इन 80 नई ट्रेनों का शुरू हो चुका है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जो अभी सीजन आने वाला सीजन, आप जानते हैं अक्टूबर में दशहरा दिवाली वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, नवंबर में दिवाली है तो, और फिर बाद में छठ पूजा भी है, मतलब बहुत सारे एकदम से मतलब बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का तो अभी से टिकट करा लेना, अदरवाइज आपको एंड टाइम पर बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रेलवे की फ्रेट इनकम को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं रेलवे माल ढुलाई से काफी ज्यादा कमाता है। तो फिलहाल अभी रेलवे बताता है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अब तक का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें 10% की जो वृद्धि है वो उन्होंने देखी है और उसके अकॉर्डिंग उनके जो आंकड़े निकल कर आते हैं कि 129.75 करके जो करोड़ रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा कमाए हैं, यानी कि 129 करोड़ हम मतलब 130 करोड़ अप्रोक्स में मान सकते हैं। तो 130 करोड़ का जो एक्स्ट्रा बिजनेस है वो रेलवेज ने किया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी वैसे भी हम सब जानते हैं जो बाकी के साधन है वो बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सारे स्टेट की जो गाइडलाइन है वो अलग अलग हैं, बट एक रेलवे ही है जो ये किसी भी स्टेट में आराम से ट्रेवल कर पा रहा है। तो उसी के चलते लोग ज़्यादातर अपना सामान रेलवे के माध्यम से भेज रहे हैं और उनका सामान सही समय से पहुंच भी रहा है। और रेलवे की पार्सल ट्रेन तो हम जानते हैं कितनी ज़्यादा अभी सक्सेसफुल हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल उसी के चलते रेलवे की जो फ्रेट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है लखीसराय रेलवे स्टेशन से लेकर। लखीसराय रेलवे स्टेशन की बात कुछ ऐसी है कि भाई इस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको नेशनल फ्लैग देखने को मिल जाएगा जो कि 16 सितंबर को लगाया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम 16 सितंबर को इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। तो लखीसराय रेलवे स्टेशन के अगर आप आसपास से हैं या फिर आपने कभी ट्रेवल किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपको अब यहां पर नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हमेशा की तरह वही 100 फीट ऊंचा होगा और लहराता हुआ काफी ज्यादा अच्छा वो लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आते हैं सीएलडब्ल्यू से लेकर। सीएलडब्ल्यू हम जानते हैं भैया नए नए काम करे जा रहा है और काफी ज्यादा उसने अपने आप को इतना ज्यादा बढ़िया कर लिया है, उसकी जो एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि वो बहुत ज्यादा लोकोमोटिव बना रहा है। तो उसने लास्ट 102 दिन में 100 लोकोमोटिव का जो प्रोडक्शन है वो किया है, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जो 100 लोकोमोटिव था वो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले निकाल कर सीएलडब्ल्यू से निकाला गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है गार्ड और जो लोको पायलट होते हैं उनके जो बॉक्स होते हैं उनको लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं अभी तक उनको बॉक्स दिया जाता है, उसके बॉक्स के अंदर उनका सामान होता है जैसे फ्लैग हुआ या फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं। तो फिलहाल अभी रेलवे प्लान कर रहा है कि उनको जो ट्रॉली बैग दिया जाएगा ये जो बॉक्स है वो नहीं दिए जाएंगे। अब बॉक्स चूंकि भारी भी होते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाते हैं ले जाने और लाने में, तो हो सकता है जो ट्रॉली बैग है वो देखने को मिल जाए। फिलहाल इसके ऊपर जो चर्चाएं हैं वो चल रही है, कब इंप्लीमेंट होगा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हो सकता है जो ट्रॉली बैग है वो आपको देखने को मिल जाए इन बड़े बड़े बक्सों की जगह जो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर देखने को मिल ही जाते होंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है मंडीदीप और हबीबगंज रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर भी जो थर्ड लाइन पर इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं। अब ये कोई भी किसी तरीके के सीआरएस वगैरह नहीं है, बस हम ये एक लाइट इंस्पेक्शन मान सकते हैं। यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चलाकर देखा गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अभी देखते हैं कब तक यहाँ पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो होते हैं, उसके बाद में कब इस ट्रैक को अप्रूवल मिलता है ट्रेनों के संचालन का। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, मुरादाबाद के जो गुड्स शेड है यानी कि माल गोदाम से लेकर। यहाँ पर भी जो मॉडिफिकेशन है वो किए गए हैं और माल गोदाम पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो फिलहाल यहाँ पर भी जो ट्रेन के मतलब ट्रैक के नीचे के स्लीपर होते हैं वो जो ख़राब हो जाते हैं तो उन बिल्कुल मतलब एक किस्म से यूजलेस हो जाते हैं, तो उनको उल्टा करके बिछा दिया गया है और एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना दिया गया है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है, क्योंकि कॉन्क्रीट वगैरह की सड़क डालते हैं तो वो जल्दी उखड़ जाती है और बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उखड़ जाती है, तो जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत
रहेंगे, काफी लॉन्ग टर्म तक ये चलेंगे, जिसके चलते रेलवे को भी काफी ज्यादा फायदा रहेगा और जो यहाँ पर माल ढुलाई है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंटली हो पाएगी, तो ये भी काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जाकर आप इंस्टाग्राम पर सिंपल train.adventure सर्च कीजिए, वहाँ पर जुड़िए और कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको जो आंसर है वो जरूर मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।